नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी नानो रोड पर हरिनगर फ्लाईओवर के पास एक युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा करने का बेहद खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। युवक शहर के निजी अस्पताल में जिंदगी व मौत की जंग लड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी जिले के गांव नारायणपुर निवासी प्रवीण कार में सवार होकर रेवाड़ी से अपने गाँव नारायणपुर जा रहा था। इसी दौरान हरिनगर फ्लाईओवर के पास कुछ बदमाशों ने उसको घेर लिया। पहले लाठी डंडों से कार को चकनाचूर किया, इसके बाद वीडियो में लाठी डंडों से युवक पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी जानवर की पिटाई कर रहे हों। जिस तरह से सरेआम पिटाई की गई, कहीं ना कहीं मानवता भी तार तार होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि दिन दहाड़े कोई भी व्यक्ति बचाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप लूट के भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि पुलिसिया जांच में पता चलेगा आखिर लूट व स्नैचिंग हुई या नहीं, लेकिन पुलिस का इतना जरूर कहना है कि कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस यह भी कहती नजर आ रहा है कि मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है। हालांकि जब इस संबंध में रेवाड़ी डीएसपी से बात की गई तो उन्होंने यह जरूर कहा कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से वीडियो में युवक पर हमला किया जा रहा है खौफनाक व बेहद डरावना है। अब देखना होगा कि पुलिस इन बेरहमी से पीटने वाले आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। मेरा भाई 2 तारीख को दोपहर लगभग 1:30 बजे रेवाड़ी से घर आ रहा था, तो हरिनगर जो फ्लाईओवर है उसके पास मेरे भाई को XUV700 गाड़ी आगे अड़ा दी गई और 2 अन्य गाड़ियां भी थी सफ़ेद रंग की, और उन गाड़ियों के ऊपर गाड़ी पे मेरे भाई की गाड़ी पे शिफ्ट पे अलाहूँ लाठियों डंडों से बहुत पूरी तरह से वार किया गया। तो मेरे भाई को गाड़ी में मारा और उसके बाद गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे भाई को लाठियों डंडों से बहुत पूरी तरह मारा। उसके बाद मेरा भाई नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे भाई को फिर दोबारा फिर से मारा। इसका वीडियो पहले भी मीडिया पर वायरल हो चुका है और मेरे भाई को मरा समझकर फिर पब्लिक ने जैसे वीडियो वगैरह बना, लेकिन मरा समझकर छोड़कर चले गए। और उसके बाद किसी भाई ने राजद ने 112 नंबर पे डायल किया और मेरे मौके पर पुलिस आई और मेरे भाई को 112 डायल में आकर ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया। अब मेरा भाई उसकी हालत थोड़ी सीरियस थी, उसके बाद हम उसको मातृका हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसके बाद वो ICU में है और अब फिलहाल उसका 2 ऑपरेशन तो पैर के होनी है 3 तारीख को, और आज पैर का हाथ का ऑपरेशन हुआ है। पुलिस को शिकायत हमने भाई के बयान लिख के दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, एक नारायणपुर का पेशेंट आया जिसमें कि उसको पीटा गया है, तो क्या पूरा मामला है और किस तरह से उसकी कितनी इंजरीज है, क्या स्थिति है अभी पेशेंट की? ये पेशेंट हमारे पास परसों आया था रात को, असॉल्ट की हिस्ट्री के साथ आया था। इसके बाद हमने इसको पहले प्राइमरी मैनेज किया, दोनों पैरों में फ्रैक्चर एक्सरे वगैरह कराए, उसके बाद इसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर मिला है और हाथ की एक हड्डी टूटी हुई है लेफ्ट साइड की। तो हमने अभी ICU में मैनेज कर रहे हैं पेशेंट को, और बाकी जनरल कंडीशन तो ठीक है उनकी, बाकी फ्रैक्चर है उनको 3 हड्डियों में। जिस तरह से जिस समय लाए थे तब क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति है, कितना मतलब लाइफ के लिए कितना ये प्रॉब्लमेटिक है? 3 हड्डियाँ टूटती हैं, पॉलीट्रामा का केस है, तो डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा है ही उनको, दोनों पैरों में है और हड्डी में है, एक हड्डी में फ्रैक्चर है। तो पहले तो थोड़ा सीरियस थे, अभी मतलब जान का खतरा तो नहीं लग रहा है, बाकी हाँ क्रिटिकल हैं, तो हमने थोड़ा ICU में रखा हुआ है। वीडियो जो वायरल हो रहा है ये नारायणपुर गांव है, थाना रामपुरा में। एक पक्ष प्रवीण है और दूसरा पक्ष राजेंद्र है, जो दोनों एक ही परिवार के हैं और एक प्लॉट पे इनका झगड़ा चल रहा है। इस बारे में पुलिस द्वारा इनके निवारक कार्रवाई भी की गई है और इनके इस प्लॉट से संबंधित कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो ये पीछे अभी इनका परसों जब ये झगड़ा हो गया था तो अभी ये मातृका अस्पताल में एडमिट है प्रवीण, और अनफिट फॉर स्टेटमेंट था, और दोनों पार्टियों ने अभी कंप्लेंट नहीं दी है। जैसे ही कंप्लेंट आएगी FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी।